संता, तुम 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो? बनता, 5 किलोमीटर। सिर्फ 5 किलोमीटर? बनता, हाँ, बाकी 25 किलोमीटर मेरी बीवी चलाती है। एक दोस्त, तुम्हारे घर में किसका शासन चलता है? दूसरा, अपनी जगह सभी शासन करते हैं। दोस्त, वो कैसे? दूसरा, मेरी पत्नी बच्चों पर शासन करती है, बच्चे नौकरों को डांटते हैं और मैं कुत्ते बिल्लियों और चूहों को डांटता रहता हूँ। पप्पू, कल मेरे अंकल ने फुटबॉल खेलकर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। गप्पू, हाँ, ये फुटबॉल भी बहुत बुरा खेल है, इस खेल में कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। पिछले महीने मेरे भाई ने अपनी टांग तोड़ ली थी। संता, यार मेरी पत्नी तो एकदम पागल है, हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। परसों एक साड़ी लाने को कह रही थी और आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। बनता, अजीब बात है, वो इतनी साड़ियों को करती क्या है? संता, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी ला कर तो दी नहीं। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, ड्रिंक करने के बाद गाड़ी मत चलाना, बैलेंस बिगड़ने की वजह एक्सीडेंट हो सकता है। बॉयफ्रेंड, ओह यार, तुम मेरी कितनी परवाह करती हो, आई लव यू डार्लिंग। जब एक लड़का अपने दोस्त को कहता है, ड्रिंक करने के बाद गाड़ी मत चलाना, बैलेंस बिगड़ने की जगह एक्सीडेंट हो सकता है। लड़का, अबे साले चुप कर, अपने बाप को मत सिखा। एक तूफानी रात में दो दोस्त अपने घर को जैसे तैसे भीगते भागते जा रहे थे। रास्ते में छाता लिए एक सुंदर लड़की मिली। लड़की ने कहा, अरे इतने तूफान में बारिश में भीग रहे हो, मेरे छाते के नीचे आ जाओ। लड़का, नहीं बहन, हम चले जाएंगे ऐसे ही, बस हमारा घर आने ही वाला है। और फिर वो अपने दोस्त को लेकर भागने लगा। लड़के का दोस्त गुस्से में, अबे साले पागल हो गया है क्या, अभी तो हमारा घर कितनी दूर है और वो लड़की भी कितनी मस्त थी, तो तूने झूठ बोलकर उसके साथ चलने के लिए क्यों मना कर दिया। लड़का, अबे साले, तूने लड़की की शक्ल देखी थी ना, एक बार नीचे देखता तो पता चलता। दोस्त, क्यों, ऐसा क्या था? अबे पागल, उसके पैर उल्टे थे। संता, कल मेरी बीवी की आंख में तिनका पड़ गया, मैं डॉक्टर के पास ले गया तो 20 रुपए ठुक गए। बनता, भाई सस्ते में छूट गए, मेरी बीवी की आंख में तो एक साड़ी पड़ गई थी जिसके कारण मेरे 500 ठुक गए।